दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मारुति सुजुकी सेलेरियो का फेसलिफ्ट वर्जन जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसकी आपको सितंबर महीने के लास्ट तक ये बाज़ार में शोरूमों पर बुकिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों अब इसके बात करेंगे इसके आगे इसमें क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों इसकी कीमत 4.5 से 6 लाख रुपये एक शोरूम है के लगभग है, और आपको इसके रिवाइवल टाटा टियागो, हुंडई सेंट्रो, रेनॉल्ट क्विड और हुंडई ग्रैंड i10 जैसी गाड़ियों से रहेगा इसका रिवाइवल। और इसके इंजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें इंजन मिलेगा आपको BS6 1 लीटर का, दो इंजन ऑप्शन में 67 BHP के 6000 RPM पर 90 mm का टॉर्क 3500 RPM पर जनरेट करेगा पेट्रोल इंजन में, और CNG वर्जन में दो इंजन वर्जन में आएगी। और इसमें एक और इंजन मिलेगा आपको 1.2 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन, जो 83 PS की पावर का 113 mm का टॉर्क जनरेट करेगा, जो नई वेगनार में आता है। वही AMT वर्जन में भी दोस्तों ये मिलेगी 5 स्पीड AMT में, पहला वर्जन जो सेलेरियो में आया था इसी में, और सेलेरियो में जो CNG में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों इसकी बात करें तो 5-6 लाख राइज की प्राइस रहेगी, और नया लुक आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलेनो जैसा दिख रहा है देखने में, बल्कि रूप आ रहा है इसका, और पीछे से भी ये बलेनो जैसी ही दिखती है। और आगे से देखिए इसका जो नया लुक बलेनो टाइप सेलेरियो है, और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और पीछे से पूरी 800 और बलेनो का बीच का मिक्स बोल सकते हैं इसको, बोले दोनों को जैसे मिक्स करके मिक्सर में मिक्स कर दिया हो ऐसा लग रहा है। पीछे से भी थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे इसको थोड़ी सी अल्टो जैसी लग रही है, और पीछे जो इसका टॉप वेरियंट है इसमें सन वाइपर दे दिया है। पर दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी टीन का डब्बा बोलना इसको उचित रहेगा, क्योंकि इसमें पतरा तो वही है, क्योंकि अभी हाल ही में एनकेप में नेशनल एनकेप स्विफ्ट को 0 रेटिंग मिली, बहुत ही शर्म की बात थी। दोस्तों इसमें 5-6 लाख तक आदमी लेने जाता है सेलेरियो, ले आता है उठा के स्विफ्ट लेने जाता है, ले आता है उठा के बलेनो, इस तरह की उसने प्राइस और कंपनी ऐसी बना रखी है गाड़ियों की कि उसी वर्जन में बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च है। मारुति को यह धारणा बदल कर अपनी एक गाड़ी ऐसी सेफ गाड़ी बनाना चाहिए जिसको कंपनी वाले भरोसा करें, और इसकी मैं कह रहा हूँ कतई टियागो से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसके बात करेंगे अंदर की, इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, इंजन, और आपको इसमें सीट आगे पीछे करने के वाली मिल जाएगी। और दोस्तों थोड़ा एवरेज की बात करें तो मारुति का इंजन तो एवरेज के लिए विख्यात है, और थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नया मिल जाएगा, और थोड़ा सा एयर बैग मिल जाएंगे, थोड़ा सुधार करा है मारुति सुजुकी ने इसमें, डुअल एयर बैग उसमें टॉप वर्जन में वो भी। और आपको इसमें मिलेगी हाइट एज्यूअल सीट। दोस्तों जानकारी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।